नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में फिलहाल नहीं होगा लॉकडाउन। बिहार बोर्ड ने बढ़ाई इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा की तारीख। अगले 48 घंटे हैं, गर्मी के लिहाज से भारी। गांव में चकबंदी के लिए IIT की मदद लेगी सरकार। अतिथि शिक्षकों पर हुई सरकार मेहरबान। अब चले बढ़ते हैं बिहार की खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में फिलहाल नहीं होने वाला है लॉकडाउन। राज्य में कोरोना की स्थिति भले ही बिगड़ती जा रही है, आए दिन मामले भी 3000 के पार हो गए हैं। इस बीच सरकारी और निजी अस्पतालों में जगह पूरी तरह से फुल होने की खबरें आ रही है। इस बीच बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने NMCH में 40 बेडों को बढ़ाने की बात कही है। वहीं इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि दवाइयों या अन्य किसी चीजों की कमी पर नजर रखी जा रही और सारी तैयारी भी पूरी की जा रही है। वहीं इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य में फिलहाल लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने PMCH में भी 50 बेड को बढ़ाने का निर्देश अस्पताल प्रशासन को दे दिया है। राज्य के प्रशासनिक महकमे में हुई बड़ी फेरबदल। बीते दिन बिहार के गृह विभाग ने पुलिस महकमे में फेरबदल किया है, जिसके तहत कई सरकारी अफसरों का तबादला विभिन्न जिलों में किया गया है। इसके तहत 2 जिलों में पुलिस कप्तान के साथ ही 3 IPS का ट्रांसफर कर दिया गया है और उन्हें दूसरे जिले में पोस्टिंग दे दी गई है। इसको लेकर गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत समस्तीपुर के SP विकास बर्मन को पटना का नया रेल SP बनाया गया है, जबकि मुंगेर जिले के SP मानवजीत सिंह ढिल्लो को समस्तीपुर का नया पुलिस कप्तान नियुक्त किया गया है। तो वहीं मुंगेर जिले के नए SP के रूप में अब 2013 बैच के IPS अफसर और पटना रेल SP जगन्नाथ रेड्डी का कार्यभार सौंपा गया है। इसके साथ ही मोतिहारी के ASP शैशव यादव को रक्सौल के ASP के रूप में एडिशनल चार्ज दिया गया है। बिहार बोर्ड ने बढ़ाई इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा की तारीख। बिहार बोर्ड परीक्षा समिति ने इंटर की कंपार्टमेंटल परीक्षा के फॉर्म भरने की तारीख को बढ़ा दिया है। इसके तहत अब आज यानी कि 14 और कल 15 अप्रैल को भी फॉर्म भरे जाएंगे। इसके तहत जो छात्र छूट गए हैं वो अब कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके पहले बोर्ड ने 5 से 10 अप्रैल तक कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए फॉर्म भरने का अवसर दिया था। वहीं 20 अप्रैल तक फॉर्म के लिए शुल्क जमा करने का मौका दिया गया। बोर्ड के इस फैसले से फेल हुए छात्र छात्राओं को एक बार फिर से परीक्षा देने का मौका मिलेगा। बिहार सरकार ने एयरपोर्ट और हवाई यात्रियों को जारी किए निर्देश। राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार यह बात सामने आई है कि बढ़ते मामलों में वैसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो दूसरे राज्यों से हवाई या ट्रेन सफर कर बिहार को लौट रहे हैं। इसके तहत अब सरकार ने ठोस एहतियात बरतते हुए एयरपोर्ट के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसके तहत महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब सहित ज्यादा संक्रमण वाले राज्यों से हवाई यात्रा करके गया एयरपोर्ट आने वाले सभी यात्रियों के लिए नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट को दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही यह रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर की होनी चाहिए। रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद ही हवाई यात्री को अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही यात्री को यात्रा के 10 दिन बाद तक होम क्वारंटीन रहना होगा। अतिथि शिक्षकों पर हुई सरकार मेहरबान। राज्य में इन दिनों शिक्षकों के हित में सरकार द्वारा कई फैसले लिए गए हैं। अब इसके तहत सूबे के अतिथि शिक्षकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सरकार की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के विश्वविद्यालय और अंगीभूत महाविद्यालयों में काम करने वाले अतिथि शिक्षक यानी कि गेस्ट फैकल्टी के मानदेय वेतन में बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके तहत पिछले ही हफ्ते कैबिनेट की बैठक में गेस्ट फैकल्टी के साथ ही अंशकालिक शिक्षकों के वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव पे मुहर लगा दिया गया था। अब शिक्षा विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार इन शिक्षकों को हर लेक्चर के लिए 1500 रुपये मिलेंगे। इसके साथ ही गेस्ट फैकल्टी को हर महीने अधिकतम 50,000 रुपये वेतन के तौर पर मिल पाएगा। आपको बता दें कि इसके पहले गेस्ट फैकल्टी को प्रति लेक्चर 1000 रुपए दिए जाते थे। बिहारवासी आज मना रहे हैं सतुवानी का पर्व। बिहार के कई हिस्सों में आज लोग सतुवानी पर्व मना रहे हैं। इसे सत्तु संक्रांति या फिर सतुया भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन में खरमास खत्म हो जाता है और सूर्य मीन राशि में मेष राशि में प्रवेश करता है। इसके साथ ही शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस पर्व में पूजा करने के बाद जौ और बूट की सत्तु आम की चटनी के साथ खाए जाने का रिवाज है। इस मौके पर लोग गरीबों को दान भी देते हैं। सतुवानी के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। इस मौके पर हजारों लोग पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाने के बाद पूजा अर्चना कर लोग सत्तु, गुड़ और कच्चे आम को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। सतुवानी के पर्व से ठीक एक दिन पहले मिट्टी के घड़े में जल को ढक कर रखा जाता है। फिर शीतल के दिन सुबह पूरे घर में उसी जल से पवित्र छिड़काव करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस बासी जल के छींटों से पूरा घर और आंगन शुद्ध हो जाता है। इसके साथ ही इस दिन बासी खाना खाने की भी परंपरा होती है। गांव में चकबंदी के लिए IIT की मदद लेगी सरकार। राज्य सरकार अब चकबंदी यानी कि जमीन की सीमा तय करने के काम में IIT रुड़की की मदद लेगी, जिसके तहत IIT रुड़की के 200 तकनीकी कर्मचारी चकबंदी का काम करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार IIT रुड़की इसके लिए चक बिहार सॉफ्टवेयर तैयार करेगा। आपको बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक साल में 12,000 गांव को चकबंदी का लक्ष्य तय किया है। फिलहाल राज्य के 20 जिलों में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है, जिसके बाद ही चकबंदी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बताते चले कि इसके लिए IIT रुड़की का चयन
बनकर IIT के साथ MOU साइन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दी देशवासियों को बैसाखी और रमजान की शुभकामनाएं। बीते दिन सूबे बिहार और तमाम देशवासियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैसाखी पर्व और रमजान महीने की शुरुआत होने के अवसर पर प्रेस विज्ञप्ति और ट्वीट के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं दी है। इसके तहत उन्होंने त्यौहार के अवसर पर समाज में समरसता तथा पारस्परिक सौहार्द बढ़ाने की भावना से सेवा करने का संकल्प लेने की बात कही। बैसाखी के दिन किसानों की खुशी का जिक्र किया तो वहीं पाक माह रमजान के शुरू होने पर मुस्लिम भाइयों को भी विशेष कर बधाई दी। इसके साथ ही CM नीतीश कुमार ने महामारी को देखते हुए सबों से अपील किया है कि लोग घर में ही रहकर त्यौहार और खुशियों को मनाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण लोग घर में ही रहे, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगले 48 घंटे गर्मी के लिहाज से है भारी। राज्य में पिछले कई दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है, जिसके तहत ही तापमान में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिन के समय तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास और उसके ऊपर दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के न्यूमेरिकल मॉडल से प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिण बिहार से आने वाले अगले 48 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है, जिससे लोग अगले 2 दिन गर्मी का सितम झेलेंगे। वहीं उत्तर बिहार में तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना है। इसके साथ ही हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो सबसे कम 18 डिग्री सेल्सियस डेहरी में दर्ज किया गया है। वहीं सूबे के अधिकांश हिस्से में तापमान 35 डिग्री से ऊपर रहा। राजधानी में कोरोना संक्रमित समेत अन्य मुद्दों पर DM ने की बैठक। राजधानी पटना में कोरोना के हालातों सहित धान दलहन अधिप्राप्ति समेत कई योजनाओं पर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बैठक बुलाई है। इस दौरान जिलाधिकारी ने 7 निश्चय Part 2 के तहत हर खेत को पानी योजना की समीक्षा की, जिसके तहत उन्होंने बताया कि इस योजना को पूरा करने में पटना जिला को पूरे राज्य में 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं उन्होंने ये भी जानकारी दी कि पटना जिला के अंतर्गत 2472 गांव में से 2414 गांव के सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है। इसके साथ ही धान अधिप्राप्ति में तेजी लाने की बात भी कही गई है। 15 अप्रैल से शुरू होने वाले दलहन अधिप्राप्ति के काम में भी फोकस करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। मुजफ्फरपुर का एक शख्स भटक कर पहुंच गया पाकिस्तान। बिहार के मुजफ्फरपुर के गायघाट का रहने वाला एक व्यक्ति दिनेश साहनी के पाकिस्तान की सीमा पार करने की खबर सामने आई है। उन्होंने उसे अब पाकिस्तान की सेना ने जासूसी की आशंका में गिरफ्तार कर लिया है। इस सूचना के बाद दिनेश के पिता ने सांसद अजय निषाद से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल फिशिंग बोट में काम करने वाला यह व्यक्ति समुद्री रास्ते से भटक कर गलती से पाकिस्तान सीमा में पहुंच गया था, जिसे पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस संबंध में सांसद ने विदेश मंत्री जयशंकर को पत्र लिखा है, जिसमें दिनेश को वतन बुलाने की बात कही गई है, जिसके बाद उसे लाने की पहल शुरू हो गई है। लालू यादव के रिहाई के लिए हो रहा है शादी कार्ड का प्रयोग। चारा घोटाले में सजायाफ्ता और लालू प्रसाद यादव की तरफ से एक और रिहाई और जमानत के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके चाहने वालों ने इसके लिए नए प्रयोग की शुरुआत की है। इसके तहत उनके समर्थकों ने घरों में शादी के दौरान बनाए जाने वाले निमंत्रण कार्ड लालू की तस्वीर लगा दी है और उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। अरवल जिले में भी ऐसी ही एक शादी कार्ड सामने आई है, जिसमें लालू की तस्वीर के साथ लोगों को शादी में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। 26 अप्रैल को होने वाले इस शादी के कार्ड के लिए लालू की तस्वीर के साथ ही उन्हें सामाजिक न्याय राजनीति का अप्रति लड़ाका बताया गया है। इससे पहले वैशाली जिले में भी ऐसा मामला देखने को मिला था। तेजस्वी यादव ने देवघर में की बाबा वैद्यनाथ की पूजा। बीते दिन झारखंड के उपचुनाव को लेकर महागठबंधन प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार में झारखंड गए तेजस्वी यादव ने आज अहले सुबह बाबा वैद्यनाथ के दर पर हाजिरी लगाई है। देवघर पहुंचे तेजस्वी यादव ने मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद वे बाबा बसुकीनाथ के दर्शन के लिए रवाना हो गए। वहीं इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ झारखंड राजद के प्रदेश अध्यक्ष सहित पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि मधुपुर विधानसभा सीट से महागठबंधन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हफीजुल हसन को मैदान में उतारा है, जिनके लिए तेजस्वी जनता से वोट की अपील करने झारखंड गया है। निराश हुए शाहरुख खान ने फैन से मांगी माफी। बीते दिन IPL के 14वें सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए मैच में KKR ने जीते हुए मैच को हार का तमगा लगवा दिया। इस हार के बाद टीम के को ओनर और बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख काफी निराश दिखे, जिसके बाद शाहरुख ने ट्वीट के जरिए KKR के फैन से माफी मांगी। आपको बताते चले कि KKR की शुरुआत शानदार रही। नीतीश राणा और शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए 72 रनों की साझेदारी निभाई, जिसके बाद शुभमन गिल 33 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद एक के बाद एक विकेट गिरते रहे और KKR की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। देश में हर दिन टूट रहा है कोरोना के नए मामलों का रिकॉर्ड। देश भर के विभिन्न राज्यों में दिन बढ़ने के साथ ही कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रही है। हर दिन नए आंकड़े अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं। बताते चले कि देश में मंगलवार रात तक संक्रमण के 1,85,248 नए मामले दर्ज गए हैं। यह महामारी की शुरुआत को लेकर अब तक एक दिन में मिलने वाले नए संक्रमितों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार की रात तक 1,025 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं देश भर में अब तक के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,38,70,731 पर पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ रिकवरी रेट में गिरावट हुई है, जिसके तहत ठीक होने वालों की दर और गिरकर 89.51% रह गई है। फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 13,60,330 पर पहुंच गई है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार
आईपीएल के आज शाम खेले जाने वाले मैच में सनराइजर हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम में किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।